जीते रहो बेटा। अच्छा वो तानिया की सास का फोन आया था, कह रही थी इसी महीने की 16 तारीख दे दे, तुम क्या कहते हो? ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। भाई तुम्हें कैसे पता कि मुझे चाय की तलब हो रही थी? आपकी बहन आपके कहे बगैर ना आपके दिल की हर बात जान सकती हूँ। कहाँ रह गए जीशान? जीशान आप? आप कब आए? मैं कब से आपको फोन कर रही थी। हाँ वो मैं अम्मी और तानिया के साथ बैठा हुआ था इसलिए फोन साइलेंट था, मुझे पता ही नहीं लगा। अरे बेटा ये दोनों बहन भाई बातें करने बैठ जाए ना तो घंटों लगा देते हैं, इनकी बातें नहीं खत्म होती। अच्छा जिशान बताओ ना, फिर तानिया की सास को बुला लूं मैं क्या? अम्मी आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे करें। समरीन जी ये मेरा फोन चार्ज पर। आज तो बहुत ज्यादा थक गया हूं मैं, जहन में ही नहीं था, पता नहीं कैसे दिन गुजरा है आज का। जिशान आज हमें अम्मी की तरफ जाना था। यार मेरे जहन से निकल गया, तुम मुझे याद दिला देती, तुम ये इतना तैयार हुई हो इसलिए। शुक्र है आपने इतना तो नोटिस किया कि मैं तैयार हुई हुई थी। क्या हो गया यार, कह तो रहा हूँ मैं भूल गया था, गलती हो गई मुझसे, और गलती तुम्हारी भी तो है, तुम मुझे याद तो दिला सकती थी ना। अब टेंशन मत लो, चले जाएंगे, मैं तुम्हारी अम्मी को फोन करके उनसे एक्सक्यूज कर लूँ। निशान हमारी वजह से आतिफ भाई और बाजी भी हमसे मिलने के लिए वहां आए थे, हम नहीं गए उनको बहुत बुरा लगा है और अम्मी भी हमसे नाराज हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं जानबूझ के तुम्हारे घर नहीं गया। काम करेंगे हम, तुम्हारी सिस्टर के घर चले, ठीक है? मुझे नींद बहुत आ रही है, मैं सोने लगा हूँ। सुबह जल्दी उठ जाना, समरीन के ससुराल वाले आएंगे, बहुत सारे काम होंगे, ठीक है? प्लीज ही लाइट ऑफ कर।